हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक हेल्दी। आज हम बनाने जा रहे हैं विंटरी स्पेशल गाजर का हलवा। यह हलवा हम एकदम ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 किलो गाजर को अच्छी तरीके से धोकर ऊपर से छिलकर कद्दूकस कर लिया है। मैंने यहाँ पे रेड वाली गाजर ली है। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। थोड़े मोटे तले की कढ़ाई लेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच घी की डाल देंगे। घी के गर्म होने पे अब हमारी गाजर इसमें डाल देंगे। गाजर डाल के एक बार गाजर को घी में मिक्स कर लेंगे। अभी यह कढ़ाई गाजर से भर गई है, पर जैसे जैसे ये गाजर कुक होगी ये कम होती जाएगी। इसे मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर लगातार 10 मिनट तक ऊपर नीचे करते हुए हो गए हैं। हल्का जूस भी निकलने लग गया है। 1-2 मिनट और पका लेंगे। हमें फ्लेम को मीडियम में रखना है। अब इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकने देंगे, फिर चेक कर लेंगे। गाजर को चेक कर लेते हैं, एक बार हिला देंगे इसे। देखिए गाजर का जूस पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है। इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। अब इसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे। दूध में मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हाई करके इसे दूध में भी पका लेंगे। हमारी गाजर आधी तो घी में कुक हो चुकी हैं और अब इसे दूध में भी पका लेंगे। दूध में पका हुआ हलवा बहुत टेस्टी बनता है। दूध में गाजर अच्छी तरीके से पकने लग गई हैं। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि तले से लगे नहीं। हमने यहाँ पे गाजर को दूध में पका लिया है, इसलिए हम इसमें मावा नहीं डालेंगे। क्रीमी टेक्सचर का हलवा बन के तैयार होगा। हमें इसे चलाते हुए ही पकाना है। अब यह हलवा हल्का गाढ़ा होने लगा है। हमें इसको तब तक पका लेना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और दूध सूख ना जाए। तब तक इसको पकाते रहना है। हमारा हलवा गाढ़ा होने लगा है, इसको थोड़ी देर और कुक कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब देखिए दूध पूरी तरीके से सूख चुका है और हमारी गाजर भी अच्छी तरीके से कुक होके सॉफ्ट हो चुके हैं। 300 ग्राम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा भी सकते हो। ध्यान रहे कि गाजर भी टेस्ट में मीठी होती है। इसे मिक्स कर देंगे। चीनी डालने के बाद में चीनी पिघलेगी तो ये हलवा वापस से थोड़ा पतला होगा, तो हमें इसको वापस से पका लेना है। चीनी के मिक्स करने के बाद में अब इसमें मैंने 25 ग्राम बादाम को काट लिया है। काजू भी डाल देंगे जिन्हें हाफ हाफ में तोड़ लिया है। मिक्स कर देंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से पक जाएं। अब चीनी हलवे में अच्छे से मिल चुकी है और ये पक भी चुका है। तो अब हम लास्ट में इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का और डाल देंगे। मिक्स कर देंगे।
घी डालने के बाद में हमें इसे 5 मिनट और पकाना है ताकि हमारे हलवे में एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे जिससे हलवे में अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हमारा हलवा तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा हलवा तैयार है। नए साल पर इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नए साल में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।